सो हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको मी 10 आई के सारे ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस बताने वाला हूं। इस स्मार्टफोन का क्या प्राइस है, ये इंडिया में कब लॉन्च होगा, कैसा दिखता है और सबसे बड़ी बात आपको इस स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब चीज अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, आज सुबह दोस्तों ओप्पो A15s लॉन्च हुआ था। आज सुबह ही दोस्तों मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको सब कुछ बता चुका हूँ, प्राइस, स्पेसिफिकेशंस, आपको इस स्मार्टफोन को बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। आई बटन पे क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। आई बटन के सारे वीडियोस को चेकआउट करिए, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों जल्दी से मैं आपको मी 10 आई के डिस्प्ले के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको 6.67 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD स्क्रीन देखने को मिलेगा और दोस्तों यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले काफी स्मूथ रहेगा, जब भी आप दोस्तों डिस्प्ले से इंटरेक्ट करोगे तो आपको स्मूथनेस फील होता रहेगा। अगर दोस्तों थोड़े और डिस्प्ले स्पेक्स की बात कर ले तो ये डिस्प्ले HDR10 को सपोर्ट करता है, 395 का PPI मिलेगा और दोस्तों यहाँ पर आपको 450 नीट्स का टिपिकल ब्राइटनेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर प्रोटेक्शन की बात कर ले तो यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। तो स्क्रीन वाइज ये स्मार्टफोन काफी अच्छा होने वाला है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा, चिन भी दोस्तों बहुत कम है और बहुत छोटे पंचोल के साथ आएगा, तो देखने में स्मार्टफोन बहुत अच्छा लगता है। डिस्प्ले में अगर आप गेमिंग करोगे, कंटेंट कंज्यूमिंग करोगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा, काफी अच्छे तरीके से आप इंटरेक्ट करोगे क्योंकि डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन काफी अच्छा है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कैमरास के बारे में, जो इस स्मार्टफोन का सबसे हाईलाइटिंग फीचर है। यहाँ पर आपको दोस्तों 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, 108 मेगापिक्सल का आपको वाइड एंगल लेंस मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग। अगर सेल्फी की बात कर ले तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलेगा पंच होल डिस्प्ले के साथ, जो दोस्तों काफी छोटा होगा और वाइड एंगल लेंस आपको दिखाई देगा वहां पर। और यार कैमरा हाउसिंग देखने में काफी इंटरेस्टिंग है, सर्कुलर आपको दोस्तों कैमरा हाउसिंग देखने को मिल रहा है और देखने में काफी अच्छा लगता है, थोड़ा यूनिक और थोड़ा प्रीमियम फिनिश आपको दे देता है, देखने में स्मार्टफोन ओवरऑल बहुत अच्छा लगता है। कभी भी आपके स्मार्टफोन को अगर कोई बंदा देखेगा या फिर कोई इंसान देखेगा तो दोस्तों ज्यादातर चांसेस यही रहेगा कि वो पहचान लेगा कि ये मी 10 आई है। चलिए दोस्तों ये तो बातें हो गई, चलिए बात करते हैं बैटरी सेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर आपको 4820 mAh का बैटरी मिलेगा, 33 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, तो बैटरी सेक्शन में भी आपको अच्छे स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों थोड़े और स्पेक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, UFS 2.2 का स्टोरेज सपोर्ट होगा, LPDDR4X रैम का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर ले तो एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा और MIUI 12 आपको दोस्तों दिखाई देगा यहाँ पर, और गारंटी टू अपग्रेड एंड्रॉइड 11 भी दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यानी कि एंड्रॉइड 11 का अपडेट बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको Qualcomm का लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिलेगा, Qualcomm Snapdragon 750G जो 8 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और Adreno 619 का GPU देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस वाइज आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप हाई ग्राफिक्स पे आराम से गेमिंग कर लोगे, ऊपर से 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है तो गेमिंग एक्सपीरियंस और भी इमर्सिव होगा, और डे टू डे लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके सारे टास्क को ये प्रोसेसर आराम से कर देगा और स्मार्टफोन काफी फास्ट वर्क करेगा, ओवरऑल आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो डिजाइन वाइज ये स्मार्टफोन काफी अमेजिंग दिखता है, मी 10T लाइट की तरह बिल्कुल दिखता है, कैमरा हाउसिंग सर्कुलर है, देखने में बहुत अच्छा लगता है और स्मार्टफोन को काफी यूनिक लुक दे देता है, और बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स में अवेलेबल है ये स्मार्टफोन, और छोटा सा पंचोल है, चिन भी काफी कम है, देखने में नो डाउट काफी प्रीमियम लुक दे देता है आपको। अगर दोस्तों बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये स्मार्टफोन आपको ग्लास पैक के साथ दिखाई देगा और एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ भी दिखाई देगा, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको पीछे भी देखने को मिलेगा और आगे भी बता चुका हूं आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आपका जो दोस्तों कैमरा हाउसिंग है ना उसमें भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, और इस स्मार्टफोन में आपको IP53 का रेटिंग देखने को मिल जाता है, वाटर रेपेलेंट कोटिंग के साथ आता है, तो पानी वानी के छींटे पड़ेंगे आपका स्मार्टफोन बचा रहेगा, ओवरऑल बहुत अच्छा बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन ऑफिशियली इंडिया में जनवरी 5, 2021 को लॉन्च हो जाएगा,
टीजर भी आ चुका है, देख लीजिए, आपको सब कुछ ऑफिशियल बता रहा हूं मैं। तो जनवरी 5 को दोस्तों ये ऑफिशियली लॉन्च हो जा रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, थोड़ा दिन बचा है, सब कुछ मालूम चल जाएगा। अगर दोस्तों प्राइसिंग की बात करें तो ये दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। एक्चुअली दोस्तों ये स्मार्टफोन जो है ना, ये Redmi Note 9 Pro 5G का रीब्रांड वर्जन है जो चाइना में लॉन्च हुए थे पिछले महीने। अगर दोस्तों Redmi Note 9 Pro 5G के चाइनीज प्राइस की बात कर लें तो 6+128GB इसका बेस वेरियंट था जो 17,999 रुपए का चाइना में लॉन्च हुआ था। तो ये स्मार्टफोन आपको Mi 10i जो है ना, ये आपको अराउंड 23,000 या 22,000 के रुपए में दोस्तों इंडिया में लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि दोस्तों Moto G5G लॉन्च हुआ है ना 22,000-21,000 में, वैसे ही दोस्तों उसके आसपास ये भी लॉन्च होगा, तो 20-22,000 रुपए आप मान के चलो। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको इस स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखो यार, बिल्कुल डेफिनेटली वेट करो, अगर आपका बजट 20-25,000 रुपए है, इनफैक्ट 20,000 रुपए भी है ना, तो भी वेट करो। 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, 5G स्मार्टफोन है, प्रीमियम लुकिंग स्मार्टफोन है, तो डेफिनेटली वेट करो इसके लिए, आपको बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बस चाहिए कंप्लीट पैकेज Mi 10i का। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया तो उसको तुरंत से लाइक कर दो, चैनल पे अगर नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको Mi 10i कैसा लगा, उसके प्राइस, उसके स्पेसिफिकेशंस, उसके लुक्स आपको कैसे लगे, और ये भी कमेंट करके बताओ कि Mi 10i जब लॉन्च होगा इंडिया में आप उसको बाय करोगे, मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग टेक रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं और शाम को 7:30 बजे टेक न्यूज भी देता हूं। आज का टेक न्यूज लाइव हो चुका है, आई बटन पे क्लिक करके देखो, काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आए हैं। Mi 11 सीरीज 28 तारीख को लॉन्च हो जाएगा, OnePlus 8T का कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन आ चुका है, और भी बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग अपडेट्स आए हैं, जल्दी से जाके देखो और अपडेटेड हो जाओ। और मैं मिलता हूं आप सभी से अगले और एक नई वीडियो में, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय। We'll be right back.